नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और आज की इस शानदार वीडियोस में आपके लिए एक और बेहतरीन ट्रिक लेके आ गए। जी हाँ साथियों, ये ट्रिक है आपकी क्लोटिंग फैक्टर ट्रिक। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लोटिंग फैक्टर ये कौन से नंबर का है या ये कौन से नंबर का है, टोटल कितने होते हैं। बहुत सारे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो के बाद आप क्लोटिंग फैक्टर हमेशा हमेशा के लिए याद कर लोगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। ढेर साथियों, सबसे पहले हमको एक प्यार, आप सबको पता है प्यार दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है प्यार, तो प्यार से ही हमने ट्रिक बनाई है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो, आपको याद भी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर प्यार तूने कर लिया, सबसे अलग अजीब, सबसे प्यार होना फेल होता है, यानी कि गलती कर ली फिर प्यार तूने कर लिया, समझ रहे हो। फिर प्यार तूने कर लिया, सबसे अलग अजीब, ठीक है यहाँ तक रुकिएगा। उसके बाद सबसे प्यार होना फेल होता है, सबको पता है सबसे प्यार होना फेल ही होता है। किसी एक से अगर आप प्यार करोगे तो वो सक्सेस होगा, अगर आप सबसे प्यार करोगे तो वो फेल ही होता है। तो इससे आपको याद कर लेना दोस्तों, फिर से मतलब है फिर, एफ है दोस्तों ये, ठीक है। फिर आपको सिक्वेंस है जो ये मैंने जो लिखे हैं इनका फर्स्ट लेटर आपको याद रख लेना है, उससे आपको जो है टर्म याद आ जाएगा। तो जैसे फिर से मतलब है फिब्रिनोजन, फर्स्ट आपका हो गया फिब्रिनोजन, पी से हो गया प्रोथोमिन, टी से हो गया दोस्तों टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो आपका सी से हो गया कर, सी से हो गया कैल्शियम, और एल से हो गया दोस्तों लेबाइल। और आप सबको पता है जो सिक्स नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है वो एबसेंट होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। और सेवन नंबर का हो गया सबसे मतलब स्टेबल, एट नंबर वाला हो गया अलग, तो अलग से हो जाएगा एंटी हीमोफिलिक ए, और अजीब से हो जाएगा एंटी हीमोफिलिक बी, और सबसे का फिर से हो जाएगा स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, और इलेवन नंबर का हो जाएगा प्यार से हो जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्टिन, और एच से हो जाएगा हेगमैन फैक्टर, और जो है थर्टीन हो जाएगा फेल, फेल सा मतलब हो जाएगा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो होता है ये, मैंने आपको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखा है। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक, और उम्मीद करता हूँ आज के बाद दोस्तों आप क्लोटिंग फैक्टर को हमेशा के लिए याद रखोगे दोस्तों, क्योंकि ये ट्रिक हम लोग ऐसी बनाते हैं। आप सबको, आप सबने देखा होगा पिछले वीडियोज़ में मैंने आपके ट्रिक के माध्यम से लाइव वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड के बारे में बताया था, और अब की जो वीडियो है आप दोस्तों क्लोटिंग फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।